हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्रोपेट वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि हम जितने भी लेटेस्ट वीडियोस लेके आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ पाए और आप इन्हें मिस ना करें। जैसे कि हम रोज़ नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहते हैं, आज की वीडियो में ये टॉपिक है मेडपेट की मेडिफॉर्म। हम डिटेल्स दिखा देते हैं इसकी। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, ठीक है। वन टैबलेट आपको पर पिजन, एक कबूतर को एक गोली ही देनी होती है। और अगर बहुत ज़्यादा वॉर्म्स निकलते हैं उस कंडीशन में आपको ये रिपीट करना होता है 14 दिन के बाद दोबारा से। स्टोर करने की जो दिया है डिटेल्स, वो है कि आपको इसको 25 सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर में रखना है। आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, गर्मी में नहीं रखना है, इस पर जहाँ धूप आती हो। 100 टैबलेट्स रहती हैं इसमें। सभी तरह के बेसिकली जो वॉर्म्स रहते हैं पिजन्स के स्टमक में, उसको निकालने के लिए यूज़ होती है। 100 टैबलेट्स की ये पैकिंग है। ये उनके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, मेड इन साउथ अफ्रीका है। कर लेते हैं हम इस बॉटल को। कुछ इस टाइप्स की टैबलेट्स हैं इसमें, क्रीमिश कलर में रहती हैं हल्की सी। एक गोली जो है वो आपको, देख सकते हैं, एक पिजन को देनी होती है। अभी हम लाइव दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं इसको देने वाले हम। कबूतर भी दिखा देते हैं आपको, प्योर धरने वालों में से है ये ब्रीड, देख सकते हैं। पाँच ml पानी भी दे सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देना आपको। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट टैबलेट भी दे सकते हैं। टैबलेट देने के 2 घंटे आपको वेट करनी है। 2 घंटे के बाद ही आपको इनको दाना डालना है, उससे पहले नहीं दाना डालना है। तो जितने भी बेसिकली वॉर्म्स रहेंगे वो फ्लश आउट हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।